तो जो भी स्मार्टफोन हम इस चैनल पर रिव्यू करते हैं, हम हमेशा उस फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। तो लेटेस्ट हमने जो ट्राई किया है ऑनर 8X है, काफ़ी ड्यूरेबल फ़ोन साबित हुआ है। तो आप इन सभी फ़ोन्स की ड्यूरेबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो अब आके बात करते हैं इस फ़ोन का कैमरा कैसा है। तो पास में हमने देखा है कि ऑनर प्ले ऑनर 9N का कैमरा उतना बेस्ट नहीं है कंपेयर टू अदर पॉपुलर डिवाइसेस भी। तो क्या ऑनर 8X में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? तो हम अभी फ़िलहाल सिर्फ अदर बजट फ़ोन्स ले रहे हैं। ऑनर के फ़ोन के साथ मैं आपको सेपरेटली दिखाता हूँ ऑनर प्ले ऑनर 9N के साथ, लेकिन मैं इन दोनों फ़ोन्स को रिकमेंड नहीं करता हूँ कैमरे के लिए। फिर भी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हम आगे जरूर दिखेंगे इसको। तो फिलहाल ये सभी फ़ोन्स आपके सामने हैं। जैसे आप देख सकते हैं रियल ये मी A2 होगा, मी A2 ही है, यस। और ये मोटो वन पावर है, ऑनर 8X, रियल मी 2 प्रो, जेनफोन मैक्स और M1, रेडमी नोट 5 प्रो। ये सभी फ़ोन्स काफ़ी अच्छे हैं, आपने सभी इनको देखा है। और आज के इस वीडियो में हम सिर्फ फोटोज़ देखेंगे, वीडियोस में आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन समहाउ कुछ एडिटर में इशूज़ हैं, तो 6-7 वीडियोस एक साथ कंपाइल हो नहीं पा रहे। मे बी इन द फ्यूचर में आपको दिखाता हूँ। तो एज ऑलवेज हम कुछ सेट ऑफ फोटोज़ देखते हैं, साइड टू साइड हम देखते हैं, फिर लास्ट में आते हैं हम कलेक्टिवली देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश कर रहे हैं ग्रीन कितना परफेक्ट आता है, और ये ब्राइट कलर बहुत ही कम फोन मैंने ऐसे देखे हैं जो परफेक्टली कैप्चर कर पाते हैं। सभी एकदम ब्लर से हो जाती हैं क्योंकि बहुत ही स्ट्राइकिंग कलर्स है। तो फिर भी यहाँ पे देखिए ऑनर 8X में इंप्रूवमेंट है, रियलमी 2 प्रो भी ठीक परफॉर्म कर रहा है, नोट 5 प्रो देखिए आप पहचान नहीं पाएंगे, मोटो में भी एकदम क्लियर नहीं है, मी A2 थोड़ा सा बेटर है, जेनफोन M1 भी एवरेज है। तो ऑनर 8X यहाँ पे बेस्ट दिख रहा था रियलमी 2 प्रो के साथ में। अब हम इसी सेम फ्लावर को क्लोजअप में लेते हैं, टैप टू मतलब फोकस करके। यहाँ पे देखिए क्लोजअप में या मैक्रो में आप कह सकते हैं कौन सा फ़ोन बेस्ट पिक कर रहा है इस कलर को, और सारी चीज़ें जितनी की जो पंखुड़ियाँ होती हैं। तो मी A2 ठीक है, ऑनर 8X थोड़ा सा डल में है। तो सबसे बेस्ट फोटो यहाँ पे अगर आप लोग को निकालनी हो तो मी A2, रियलमी 2 प्रो और मोटो 1 है यहाँ पे। और जेनफोन थोड़ा सा डार्क है, ऑनर 8X में शार्पनेस तो है, डिटेल्स है, लेकिन थोड़ा सा डार्क है। डिफरेंट कलर देखिए, पीच कलर देखिए कैसा होता है यहाँ पे। अभी तो हम दूर से ले रहे हैं, सेम तरीके सिचुएशन से ग्रीन कैसी आ रही है, कैसा वेरिएशन हो रहा है। तो बजट फोन पे आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा यहाँ पे, ये मैंने पर्सनली बहुत दिन से फील किया है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं होती है, चेंज भी रहती है। क्लोजअप में देखिए तो मोटो 1 अच्छा है यहाँ पे, ऑनर 8X अगेन थोड़ा डल में है, नोट 5 प्रो ये देखिए रियलमी 2 प्रो जेनफोन थोड़े से डल में मिलेंगे। तो मोटो 1 मी A2 ठीक कलर यहाँ पे दिख रहे हैं। अब इसी को देखिए आप मैक्रो में देखिए, सेम फ्लावर को देखिए यहाँ पे, हमने ये टैप करके लिया है। तो थोड़ा सा इन्हेंसमेंट किया जा रहा है। वैसे ओरिजिनल कलर बताऊँ तो जो अब दिखने में है वो जैसे आपको दिख रहा था नोट 5 प्रो में जेनफोन में हल्का सा, ये बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्लावर नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए मोटो ने थोड़ा सा एक्सपोजर किया गया है। ऑनर 8X में थोड़ा सा नेचुरल लुक है, तो ऑलमोस्ट सभी ठीक हैं, आपको जैसा पसंद हो। किसी फ़ोन में थोड़ा सा एक्सपोज ज़्यादा किया गया है, किसी में कम किया गया। नोट 5 प्रो थोड़ा सा डल में दिख रहा है मुझे। पोर्ट्रेट देखिए, तो हम इस फ्लावर को कंसनट्रेट कर रहे हैं, मैंने बस ऑटो पे किया है जितना हो सकता था, कोई टैप टू फोकस करके नहीं किया है। तो पोर्ट्रेट में आप इमेज देखिए कितना हो रहा है, ब्लरनेस कैसा हो रहा है, ये भी देखने की ज़रूरत है। जेनफोन M1 हमने पहले देखा था पोर्ट्रेट अच्छा लेता है, तो मोटो 1 का पोर्ट्रेट देखिए सबसे बेस्ट दिख रहा है यहाँ पे, सारी चीज़ें प्रॉपर्ली ब्लर हो गई हैं। जेनफोन M1 में भी ठीक है, नोट 5 प्रो एवरेज है, बहुत बेस्ट नहीं है। ऑनर 8X में थोड़ा सा पोर्ट्रेट इस शॉट में वर्क कर रहा है, मी A2 भी एवरेज में है, बहुत बेस्ट साइड में तो नहीं है लेकिन समहाउ वर्किंग है। तो आपके हिसाब से आपको जैसा चाहिए। तो यहाँ पे अगेन देखिए, अगर आप थोड़े से पतले ऑब्जेक्ट को फिर से करते हैं फोकस, तो इस पौधे पे हम कर रहे हैं, बैकग्राउंड में देखते हैं कैसा आपको आता है यहाँ पे लेवल। रियलमी 2 प्रो का भी पोर्ट्रेट थोड़ा सा ठीक है, अच्छा है और फोन के कंपैरिजन में है। जेनफोन में थोड़ा सा इशू आ गया, देखिए टॉप में भी वो ब्लर कर गया है ऑब्जेक्ट को भी इटसेल्फ। तो मोटो 1 ठीक है, नोट 5 प्रो यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, ऑनर 8X इस शॉट में ठीक लग रहा है। तो मिक्स रिजल्ट मिलता है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो मोटो 1 अगेन थोड़ा ठीक लग रहा है, काफ़ी अच्छा उसमें ब्लर किया गया है, कहीं ज़्यादा कहीं कम है, तो ये बजट फोन में रहता है। स्काइज देखिए, आजकल जो आप देखते हैं आसमान में क्लियर वेदर है कैसी आती है, तो ये आपके लोकेशन से हो सकता है वेरी करें। अगर आप साउथ से देख रहे हैं तो हो सकता है वहाँ आपको बहुत ब्राइट मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे ऐसा ही है, डस्टी इन्वायरमेंट है दिल्ली NCR का। तो 8X में मैंने AI ऑफ कर रखा है, सिर्फ नाइट में मैंने ऑन किया था। बाकी आप देखिए नोट 5 पर थोड़ा सा डल में हो गया, इतना डल तो स्काई नहीं है फिलहाल। मी A2 भी थोड़ा सा डल में है, तो ऐसा इंडोर में देखिए अगर आप मनी प्लांट की फ़ोटो लेते हैं तो कैसा दिखता है। तो प्लांट का ग्राफ तो सभी जानते हैं कैसा होता ही है, हल्का सा डार्क में होती है लीफ इसकी। तो कुछ फोन्स इसको इन्हेंस करते हैं, मोटोरोला हमने देखा है थोड़ा सा कर रहे हैं, इन्हेंसमेंट किया जाता है इसमें, ये हमने फील किया ऐसा। तो बैकग्राउंड कलर परफेक्ट आ रहा है नोट 5 प्रो, रियलमी 2 प्रो में आ रहा है बैकग्राउंड कलर अच्छा आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा ही है जैसा आप देख सकते हैं। तो रियलमी 2 प्रो नोट 5 प्रो बेस्ट है यहाँ पे। सेकंड शॉट देखिए, तो ये ऑरेंज और वाइट है इंस्टेड ऑफ आप रेड में समझिएगा, जैसे ऑनर में थोड़ा सा रेड आ गया था। तो मोटो 1 में नोट 5 प्रो फॉलोड बाई जेनफोन,
तो ये इंडोर एवरेज लाइट में जैसे हम फोटोज़ लेते हैं वैसे ही इंडोर ट्यूबलाइट में लिया गया है। तो ऑन आई टेक्स थोड़ा सा डल यहाँ पे रेड कर दिया गया है। Me A2 का शॉट अच्छा है, मोटो वन भी थोड़ा सा ब्राइटनेस करने की वजह से ठीक है, जेन फोन में थोड़ा सा डल हो गया है, देखिए थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा। रियलमी 2 प्रो भी ठीक है। और कंप्लीट ट्यूब लाइट में देखिए, अगर आप इस सेंटा की फ़ोटोज़ लेते हैं तो बैकग्राउंड देखिए जिस टॉप पे हैं वो, उसके देखिए ब्लैक कितना ब्लैक आ रहा है, फोटोज़ में शार्पनेस कितनी, ये कंप्लीट डार्क में मतलब थोड़ी सी विंडोज़ से लाइट आ रही है तो कैसी फ़ोटोज़ आती हैं वो भी देखने की बात है। तो यहाँ पे बेस्ट शॉट Me A2 रियलमी 2 प्रो है, आप देख ही सकते हैं शार्पनेस ठीक है, बैकग्राउंड भी वैसे ही आ रहा है जैसे आना चाहिए, ज़्यादा ब्राइट नहीं कर दिया गया है, ISO लेवल ठीक है यहाँ पे। तो लो लाइट में अगर आप इनकेस लेते हैं, वैसे लो लाइट के लिए बने नहीं है फ़ोन, तो अगेन शॉट्स देखिए यहाँ मैं काफ़ी इंप्रेस हो रहा हूँ कि लो लाइट में भी आजकल बजट फोन्स 15,000 के रेंज के अच्छे काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं इवन। तो और यहाँ पे मैंने ऑन ATX में AI मोड यूज़ किया, नाइट मोड, और जेनफोन में भी नाइट मोड। तो सबसे बेस्ट लुकिंग फोटो जो है वो रियलमी 2 प्रो है, आप भी यही कहेंगे, क्योंकि कलर्स उसके एक्यूरेट आ रहे हैं, जैसे बिल्डिंग थोड़ी डार्क येलो में है तो येलो ही आ रही है, ATX में AI की वजह से देखिए सब चीज़ें वाइट सी हो गई हैं, भले डिटेल्स दिख रही हैं। ऐसा है सेल्फीज़ अगर आप लेते हो तो सभी फ़ोन में ज़्यादा मेगा पिक्सल्स हैं तो आप ले सकते हैं सेल्फीज़, अगर लेना चाहते हैं तो इंडोर सेल्फीज़ है, आउटडोर पर तो नहीं दिखा रहा हूँ। बाय द वे ये सेकेंड वॉच है, मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ, स्पोर्ट वॉच मैं आपको दिखाता हूँ, इसीलिए मुझे गैलेक्सी गियर स्पोर्ट के साथ दिखाना पड़ रहा है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और यह रहा रियलमी 2 प्रो का सेल्फी। रियलमी 2 प्रो में कुछ इशूज़ हैं, आई डोंट नो, थोड़ी सी उसमें ब्लरनेस दिखती है, मे बी OTA आ जाए तो फिक्स हो जाएगा। तो Me A2 की सेल्फी अच्छी है, नोट 5 प्रो की भी ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट कलर जो दिख रहा है Me A2 में दिख रहा है। और ऑनर ATX में भी थोड़ा सा डल सा है बहुत, आप देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट हैं, जेनफोन M1 भी ठीक है, Me A2 तो मुझे फिलहाल बेस्ट लग रहा है। सेल्फी पोर्ट्रेट एक शॉट देखिए, पीछे की चीज़ देखिए कितनी ब्लर हो रही है, किस में कितनी किस लेवल से हो रही है। तो इनकेस आप सेल्फी पोर्ट्रेट लेते हैं तो पहले भी हमने देखा है Me A2 का पोर्ट्रेट काफ़ी अच्छा है, नोट 5 प्रो भी ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, एवरेज में है, काफ़ी थोड़ा फ़ोन पुराना हो गया लेकिन फिर भी ठीक परफॉर्म करता है। रियलमी 2 प्रो सम इशूज़ हैं, जैसे मैंने कहा सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाए तो होपफुली ये चीज़ फिक्स हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं। लास्ट में निमी के ना भूल के जेनफोन M1 था। तो Me A2 का पोर्ट्रेट अच्छा है और ना ATX का पोर्ट्रेट इस सिचुएशन में ठीक है, देखिए लाइटिंग कंडीशन अच्छी हो गई है, सेल्फी में नहीं थी तो वेरी होता रहेगा रिजल्ट, हमेशा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं मिलती किसी फ़ोन से, पिक्सल्स में वो चीज़ मिल सकती है। मोटो वन थोड़ा सा डल हो गया, रियलमी 2 प्रो आपका थोड़ा वॉश्ड आउट हो गया है। लास्टली आपका कुछ, आपका फ्लैश में इनकेस आप फ्लैश यूज़ करेंगे अगर बजट फोन्स में आप ले रहे हैं तो कहीं वार्मर मिलेगा कहीं कूलर मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ वेरी करती है आपकी फ़ोन टू फ़ोन पे कि कैसा बनाया गया, डिफ़ॉल्ट में ड्यूअल LED है सिंगल LED है। तो फिलहाल आप डिटेल्स देख सकते हैं, ये तो रही गाइस आपकी कुछ फोटोज़ कंपैरिजन हमने देखे। सो गाइस अब फाइनल कंक्लूड करते हैं, बहुत सारी फोटोज हमने देख ली हैं, तो एक आपको पैटर्न दिखेगा कि कोई भी फ़ोन परफेक्ट नहीं है, सभी बजट फोन्स में ये चीज़ लगी रहती है, लेकिन जो पुराने फ़ोन हो गए नोट 5 प्रो जेनफोन M1 वो अब थोड़े से आपको थोड़े से पीछे दिखने लगेंगे, जैसे कि ऑनर ATX का कैमरा काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और मोटो वन पावर भी ठीक परफॉर्म कर रहा है, पोर्ट्रेट में भी सेल्फीज में भी सब चीज़ में, स्पेशली नाइट में रियलमी 2 प्रो काफ़ी अच्छा है। तो कैजुअल फोटोज़ के लिए रियलमी 2 प्रो सब चीज़ के लिए ठीक है, बस इसमें सेल्फीज़ में कुछ इश्यूज़ दिख रही है, होपफुली ऐसा आज सुनने में आया कि कुछ OTA अपडेट आने वाला है तो शायद ये चीज़ फिक्स है, अदरवाइज Me A2 अभी भी एक्सीलेंट है। मोटो वन पावर कहीं कहीं थोड़ा सा आप देख सकते हैं ब्राइट कर दे रहा ऑब्जेक्ट को, नेचुरल में नहीं है। ATX हल्का सा इंप्रूवमेंट हुआ है प्रीवियस जनरेशन के फ़ोन्स में, लेकिन काफ़ी अच्छा है, इंप्रेसिव है ATX का परफॉर्मेंस कैमरा में स्पेशली। बाकी आपने सारी डिशेज देख ली हैं, जैसे आपकी नीड हो, आपको जिस हिसाब से फ़ोटो लेनी हो, लाइट में सेल्फी ज़्यादा लेनी हो तो जो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून, हम बहुत जल्दी देखते हैं परफॉर्मेंस और विच इज़ बेस्ट के अगले एपिसोड में, बेस्ट फोन्स अंडर 15,000 में कंपेयर करते हैं कौन कौन से फ़ोन वहाँ मेक करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया गाइस इस वीडियो को देखने का, नमस्ते एंड हैव अ ग्रेट डे।